गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन योर मैथ्स क्लास। बच्चों, हमने अपनी एक्सरसाइज सेकंड बी कंप्लीट कर ली थी, पेज नंबर 26 तक। नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज सेकंड सी। ओके, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें जो फॉलोइंग नंबर दे रखे हैं उनकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू? आपने प्रीवियस वाले जो चैप्टर हैं और प्रीवियस क्लास में भी आपने क्या है, ये प्लेस वैल्यू निकाली है। सिर्फ इसमें हमें डिजिट बढ़ गई है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम प्लेस वैल्यू हम वैसे ही निकालेंगे जैसे लास्ट चैप्टर में निकाली थी। यानी जो जिस प्लेस पर है आप उतना ही उससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे 2 हमारा वंस प्लेस पर है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना हो गया? 2। ऐसे ही 10 प्लेस पर है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 70। 3 प्लेस ऑफ 100, तो 3 मल्टीप्लाई 300 इक्वल टू 300। ओके, 5 किस प्लेस पर है? 5 जो है हमारे 1000 प्लेस पर है, तो 5 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 5000। सेम इसकी प्लेस वैल्यू वैसे ही निकली है जैसे हमने लास्ट निकाली थी। लास्ट में सिर्फ 100 तक था, इसमें 1000 तक है, बाकी सब कुछ सेम है। ये ट्रू फॉल्स है फ्रॉम द नंबर द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ दे रखा है आपको, इसमें ये डिजिट्स दे रखी हैं, इनको आपको लिखना है। टेंथ प्लेस इज 6, तो 6 पे टेंथ प्लेस पे कितना है हमारा? 6। वंस प्लेस इज 2 मोर देन 6, यानी 6 से भी 2 ज़्यादा है, तो कितना हो गया? 6 से 2 ज़्यादा 8 हो जाता है। 1000 प्लेस इज 4 लेस देन 10, जो हमारा 10 है उससे कितना कम है? 4 कम है, तो कितना कम हुआ? 6। 100 प्लेस इज बिटवीन 3 एंड 5, 100 का प्लेस जो है बिट 3 और 5 के बीच में कितना आता है हमारा? 4 आता है, तो इस 1000 प्लेस पर कितना हो गया? 4। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ओके, इसके ट्रू और फॉल्स। अब ये सेम ऐसे ही दे रखी हैं आपको प्लेस वैल्यू। अब इसकी प्लेस वैल्यू सही है तो ट्रू होगा, गलत है तो फॉल्स होगा। सेम द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 3729 इज 300। तो आप बताइए 1000 के पर 3 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 3000 आएगी ना, और इसमें कितनी दे रखी है? 300। तो ये क्या हुआ हमारा? फॉल्स। ठीक है, अब ये सब आप ऐसे ही इसको रीड करेंगे और इसको निकालेंगे। ट्रू फॉल्स आप उस तरीके से इसको लिखेंगे। ओके, सेम वही है, प्लेस वैल्यू वाले ही हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए, फर्स्ट है आपका फर्स्ट इन, तो फर्स्ट हमारे कितने प्लेस पर है? 1। वंस प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 1। 6 इन टेंथ प्लेस पर है तो कितनी आएगी प्लेस वैल्यू? तो 60। ओके, इस तरीके से आपको इस वाले में लिखना है। इसमें है आपकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों है, तो प्लेस वैल्यू आपको बताई दी है। सेम आप ये वाली प्लेस वैल्यू निकालेंगे और फेस वैल्यू उतनी ही रहती है चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो। अगर 6 है तो वो 6 ही रहेगा, चाहे वो 100 के प्लेस पर हो चाहे 1000 के पर हो। जैसे 6 है यहाँ, 1000 पर है, तो इसकी फेस वैल्यू 6 ही होगी। अगर सपोज करो 9 हमारा 100 प्लेस पर है, तो 20 की 9 ही फेस वैल्यू रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। सेम वर्क आउट द फॉलोइंग डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 28 एज एंड 3। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। जैसे हमारी इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 10 वाले की 80 है, ठीक है, वंस वाले की 8 है, तो ये डिफरेंस निकालना है। यानी 80 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचा? वो इसका डिफरेंस आ गया। प्रोडक्ट होता है हमारा मल्टीप्लाई, डिफरेंस होता है हमारा माइनस, सबट्रैक्ट। क्वीटेंट होता है हमारा डिवाइड करेंगे जब, ठीक है। इस तरीके से इसमें दे रखा है, क्वीटेंट हमें डिवाइड करना है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस में माइनस करना। ओके,